वेलकम टू ग्रो स्किल्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन की ई वर्कशीट जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स सबसे पहले बात आती है कि रॉक्स क्या होते हैं रॉक्स आर फाउंड ऑन द माउंटेंस हील्स एंड इन वैलीज रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं माउंटेंस हील्स और वैली पर और रॉक्स किस कलर के होते हैं वाइट हो सकते हैं ब्लैक होते हैं रेड ग्रे ठीक है ये सब क्या है उसके कलर्स हैं रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं रॉक्स हार्ड रॉक होते हैं और सॉफ्ट रॉक होते हैं हार्ड रॉक्स के एग्जाम्पल जैसे मार्बल सैंडस्टोन डायमंड ग्रेनाइट सॉफ्ट रॉक कोयल, चौक और स्लेट तो इस तरह से हम डिफर कर सकते हैं रॉक मतलब हार्ड रॉक में और सॉफ्ट रॉक में नेक्स्ट आता है मिनरल्स। रॉक्स आर अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल से ही मिलकर क्या बनता है रॉक्स बनता है दे हैव डिफरेंट शेप्स साइजिस एंड कलर्स मिनरल्स के अलग अलग शेप होती हैं अलग अलग साइजेस होते हैं और एग्जाम्पल क्या है उसके डेल्क ग्रेफाइट, चाइना क्ले सिलिका एंड क्वार्ट्स ये सभी क्या है मिनरल्स हैं आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है इसमें रॉक्स आर ऑफ मैनी काइंड्स कलर्स और बोथ ऑफ दीज बहुत सारे काइंड भी होते हैं उसके और कलर्स भी होते हैं तो इसलिए आंसर आ जाएगा बोथ द हार्डेस्ट रॉक इज डायमंड ग्रेनाइट और बोथ डायमंड सेंड स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग ऑप्शन है ज्वेलरी ब्लैक बोर्ड या बिल्डिंग बिल्डिंग टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट रॉक मिनरल और सॉइल आंसर इज मिनरल. नेक्स्ट चाइना क्ले इज यूज फॉर मेकिंग वॉचेस, पॉटरी या मिनरल पॉटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं को देखकर हमें आंसर करना है द कॉन्टिनेंट दैट इज रिचेस्ट इन डैश इज अफ्रीका आंसर इज इसमें आ जाएगा डायमंड्स नेक्स्ट है चौक इज यूज फॉर राइटिंग ऑन चौक जो है किस पर मतलब लिखने के लिए यूज की जाती है ब्लैक बोर्ड पर टैल्कम पाउडर इज मेड फ्राम किससे मिलके बनता है टैल्क डैश इज मेड फ्रॉम ग्रेफाइट ग्रेफाइट से क्या बनता है लीड जो पेंसिल की लीड होती है वो भी ग्रेफाइट से ही बनती है जेम स्टोन आर फाउंड इन मैनी कलर्स इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कलर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स यहाँ पर कुछ कॉलम्स यहाँ पे दोनों कॉलम बनाए हुए हैं हमें मैच करना है इनको जैसे फर्स्ट है इसमें डायमंड तो डायमंड क्या होता है हार्ड रॉक मैच कर देंगे कॉयल कॉयल कैसा रॉक है सॉफ्ट रॉक उसके बाद चाइना क्ले चाइना के लिए क्या लिखेंगे हम चाइना क्ले क्या है एक मिनरल है रूबी रूबी क्या है एक जेम है उसके बाद लीड एल ई ए डी लीड लीड क्या है एक ग्रेफाइट का ही पार्ट है नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स यहाँ पर टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए फर्स्ट है इसमें रॉक्स आर यूजुअली हार्ड ट्रू मार्बल इज फाउंड ओनली इन वाइट कलर फॉल्स अलग अलग कलर के होते हैं टेल्ड इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मटीरियल ट्रू सिलीका इज यूज इन मेकिंग वॉचिज फॉल्स नेक्स्ट है इमरल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेमस्टोन ट्रू नेक्स्ट आता है आंसर इन वन वर्ल्ड वट इज द अर्थ मेड ऑफ आंसर इज रॉक्स नेम आ प्लेस वेयर रॉक आर फाउंड आंसर इज माउंटेन्स बताया था मैंने माउंटेन्स में हिल्स में वैली में यहां पर आपको रॉक्स मिलते हैं विच इज द हार्डेस्ट रॉक इन दर्ल्ड डायमंड वॉट मेक रॉक्स मिनिरल्स नेक्स्ट है च इज द सॉफ्टेस्ट मिनिरल आंसर इज टैल्क नेक्स्ट है वट इज द कलर ऑफ एमरोल्ड आंसर इज ग्रीन कलर सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बच्चों को रॉक्स और मिनरल्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये थी फ्रेंड्स क्लास सेकेंड की ई वी एस वर्कशीट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में